अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिले के बसारी विद्युत विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ओटापुरवा में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण एक महीने से बिजली बंद है। फसलें सूख गई हैं। किसानों ने कई बार बिजली विभाग खजुराहो ई प्रशांत कुरैया और ओआईसी रवि सिंह को बिजली की समस्या से अवगत कराया, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी नहीं समस्या का समाधान हुआ। किसान परेशान होकर ट्रांसफार्मर के पास महिलाओं समेत छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे अनशन पर बैठ गए। लोगों ने विद्युत विभाग को खरी खोटी सुनाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। जीतने के पहले नेता वोट के लिए चक्कर लगाते हैं, अब किसान नेताओं के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। एक महीने से ओआईसी के विश्वास में बैठे किसान अब फांसी लगाने को मजबूर होंगे। जब से बसारी सर्किल में नवीन ओआईसी आए हैं, तब से किसानों के बिल जमा होने के बाद भी किसानों को बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। विभाग के कनिष्ठ यंत्री रवि सिंह की लापरवाही के कारण किसानों की फसलें सूख चुकी हैं। शिवराज सरकार में अधिकारी मस्त और किसान त्रस्त हैं। अपने आप को किसान हितेशी सरकार बताने वाले शिवराज की सरकार में किसानों की ऐसी दुर्दशा, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी या किसान ऐसे ही त्रस्त रहेगा? में हम लोग मर रहे जी, हम औरतें खड़ी एक कह रहे कि काका जी भोजन के लिए मर रहे। अच्छा, कौन से क्षेत्र में आते हो आप? हम बसारी सर्कल में। आपने वासी से बात नहीं की? न बेसन रहे ये सब लोग है खजुराहो, न बेसन रहे और बीजेपी वाले जाए सुबह दे भी नहीं सुन रहे। बीजेपी से हम खूब वोट है नहीं, तो सुनने वाला नहीं है। कह रहे कि जाओ, तो हमारे तो बीच के बीच है। नाए वाले कह रहे माए जाओ, माए वाले कह रहे ना जाओ। रोज यही काम पूरा को निकाल का कह रहे थे जो कह रहा है श्रीमान कि आपकी हो जाएगी, हो जाएगी। दो महीना हो गए। अच्छा, अब हो जाएगी कब? हो जाएगी जब बैसाख आ जाएगी, कब किसान जब खेती करे, खेती का टाइम निकल रहा हो। नहीं निकल ही हो, अब 10 दिन और बचे, इतने में मिल जा श्रीमान तो ठीक है, नहीं था तो बर्बाद है ही हम लोग। तो आपकी बिल जमा है? बिल जमा है सब, एडवाइज हो श्रीमान। फिर भी ये पैसा लेने के लिए जो लेके जाता है, वे कहते हैं हमको चाहिए ना। कचिजन के कल है, अब कह रहे के अब नहीं करना है। जब आपकी समस्या हल हो जाए है तब करेंगे। कब होगी हल? अब क्या पता है, कल बयाने कर रहे। कल आप कब गए थे वासी के पास? अभी कल भी गए थे। कल गए थे, क्या कह रहे थे? दो दिन बाद कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन बाद देख लो। अरे बाकी आप 2 दिन तो होगा, 2 महीने। अच्छा, हम पहले भी गए थे, आज 10 बार वाईसी साहब लोग आए, 10 बार से हैं, 2 दिन उनको रोज हो रहा हो, रोज फिर जाए तो फिर 2 दिन का कह देते। होता कुछ विधायक जी क्या कह रहे थे? विधायक जी कहते बिल्कुल कल पहुंच जाएगी आपके यहाँ डीपी। अच्छा, कल की एक महीना हो गया। अच्छा, उन्हें 2-4 बार फोन भी लगाए, हमारा क्षेत्र वो पड़ जाता है, वो माँ हमारी चलती नहीं है, तो हमारी विधायक वो ऐसी साफ सुन नहीं रहे हैं। तो कल गए महाराज जी लो होते, तो उनने कहा अरविंद पटेलिया जी लो होते गए, तो वे बोले गए हाँ पहले हम अपनों देखें, भाई के बाद आप खुद देखें, हमारा क्षेत्र ही नहीं है, अपने विधायक जी लो जाओ, या जनता जी बाल बच्चे जी सब रोड पे आ गए, ये खाए हमारे। फसलों के क्या हाल चाल है? फसलों के क्या हाल चाल है? दीना दीना पड़े साहब, दीना पड़े मन्ना हो सो मरे जा रहे, कैसे पलेंगे छोटी छोटी बच्चे? ये सी थोड़ी फसल बोई है आपने? कोई फसल नहीं। अच्छा, आप देखो चलो, तो फिर लाइट ही ना आएगा शुरू से? बिल्कुल शुरू से नहीं है साहब, क्या बात है। रेशन की डीपी चली गई, फिर 25 की आ गई, तो जब से जा काम ही नहीं कर रही, तो बल भाई जल रही है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग। जी आप ओटापुरवा से हो? चलिए, ओटापुरवा के सभी निवासी हैं यहाँ पे, लगभग में सैकड़ों निवासी यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए भाई हैं, औरतें भी हैं, बहनें हैं, और यहाँ बाल बच्चे भी खड़े हैं। काफ़ी समस्या बड़ी है, और देखिए ग्राम पंचायत ओटापुरवा यहाँ बसारी क्षेत्र आता है, जहाँ वासी की कमी से यहाँ पर लाइट की मौजूदगी नहीं है। 23-25 की डीपी रखी है, यहाँ पर 63 की डीपी की ज़रूरत है, पहले से भी रखी थी। अच्छा, इन लोगों की बिजली बिल जो जमा है, और कुछ जो टेम्परेजी करते हैं वो भी जमा करने के लिए किसान दे रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद वासी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।